पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन करके शासन प्रशासन स्तर पर समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 16 अक्टूबर को महेश्वर में नेशनल मूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम बहाली के तहत होने वाली प्रदेश व्यापी महाकुंभ का आयोजन करने राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसमें 52 विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि पेंशन बहाली के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और चर्चा परिचर्चा के बाद आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि क्रमबद्ध आंदोलन करके मांग मनवाने पर हर संभव प्रयास करेंगे और अगर मांग पूर्ण नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वावधान में महेश्वर में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये पुरानी पेंशन की बहाली एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 52 विभाग के NPS कर्मचारी भाग लेंगे और मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले से भारी संख्या में कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कम से कम 10,000 से 20,000 25,000 लोगों की कर्मचारियों की आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। मुख्य क्या रहेगा? मुख्य है पुरानी पेंशन की बहाली एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो आगे क्या रूपरेखा? सरकार अगर हम अभी शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर भविष्य में अगर हमारी मांगे नहीं मांगती है तो हम लोग जैसे भी हमारे वरिष्ठ का जो निर्देश होगा भोपाल में बड़ा प्रदर्शन रखा जाएगा या तो फिर स्कूलों में, हमारे चिकित्सालयों में, रेलवे है, विद्युत मंडल है, हम जैसे भी योजना बनेगी वैसे भी सारा काम ठप्प कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।